चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमबीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कॉलेज में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। गया कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गया इकाई द्वारा गया कॉलेज के गेट पर विश्वविद्यालय में फैले अराजकता के खिलाफ मगध विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूंका गया। मौके पर मौजूद मगध विश्वविद्यालय के संगठन मंत्री गौरव प्रकाश ने कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्नातकोत्तर तक की शिक्षा छात्राओं के लिए मुफ्त की थी, तब भी सभी महाविद्यालय में पैसे छात्राओं से लिए जा रहे थे, जो पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। मौके पर मौजूद प्रदेश कार्य समिति सदस्य नवलेश मिश्रा ने कहा कि विगत 2019 से विश्वविद्यालय में डिग्री मारना बंद कर दिया गया है और कहा गया है कि जिसकी नौकरी लगेगी उसी को डिग्री मिलेगा। मौके पर पवन मिश्रा, सुबोध पाठक, राहुल कुमार, शशि सिंह, सौरभ मैक्स व कई लोग मौजूद थे। आज मगध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अराजकता और भ्रष्टाचार का जोरदार माहौल बना हुआ है। इस शैक्षणिक अराजकता और इस भ्रष्टाचार के माहौल के खिलाफ मगध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का आज हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले गया कॉलेज के गेट पर पुतला दहन का कार्यक्रम किए हैं। मगध विश्वविद्यालय में आए दिन रिजल्ट, एडमिशन परिणाम ऐसी कई समस्याओं को लेकर छात्र परेशान हो रहे हैं। बाढ़, मुकामा, औरंगाबाद, अरवल से छात्र आते हैं और उन्हें एक दिन के काम को 10 दिन में मिलता है। आज हम सभी मगध विश्वविद्यालय का पुतला दहन किया और हमारी तीन चार मांग है विश्वविद्यालय से कि स्नातक जो प्रथम खंड का एडमिशन है, सरकार ने छात्राओं को पूर्ण रूप से निःशुल्क एडमिशन का कर दिया था, लेकिन जिस कालखंड से हम गुजर रहे हैं और अभी मगध विश्वविद्यालय के अभिन्न कॉलेजों में स्नातक प्रथम खंड की एडमिशन हो रहा है और छात्रों से पैसा लिया जा रहा है। हमारी मांग बीसी से है जिसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। हमारी मांग है कि बीएड में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी इस बार बीएड के एंट्रेंस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करवाया है और उसने बीएड में 30,000 रुपये तक के रकम को कम किया है। उस रकम को मगध विश्वविद्यालय भी तत्काल प्रभाव से अपने मगध विश्वविद्यालय में लागू करे। हमारी मांग है डिग्री के लिए कई ऐसे छात्र सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जो डिग्री उनको कॉलेज कैंपस में 2008 के बाद पैसा ले लिया जाता है, लेकिन उनको कॉलेज कैंपस में ना मिल करके मगध विश्वविद्यालय में लगातार घूरना पड़ता है, लेकिन जो दिन का काम एक महीने में होता है। हमारी मांग है उसी वैसी समस्या को तुरंत अच्छे से किया जाए। मगध विश्वविद्यालय में इतनी भ्रष्टाचार है कि कॉलेज कैंपस में लूटपाट की समस्या हो रही है। छात्रों को लूटना, एडमिशन के नाम पर, आई कार्ड के नाम पर, मार्कशीट के नाम पर, इस तरह की कई समस्या मगध विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में और विश्वविद्यालय कैंपस में व्याप्त है। हमारी मांग विश्वविद्यालय से है कि इस तरह की मांग को जल्द से जल्द जो हमारी मांग को पूरा करे, नहीं तो विद्यार्थी परिषद इस आंदोलन को चरणबद्ध करेगा और सड़क से लेकर संसद तक जाने का काम करेगा। जब पुतला दहन किया है, अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो आगे क्या रणनीति? इस कोरोना काल के बाद पूरे देश निकला है तो विद्यार्थी परिषद भी पुतला दहन के माध्यम से भाई सांसद की अवगत कराती है कि यदि पुतला दहन की बात को नहीं मानती है, हमारी बातों को नहीं माना जाएगी, तो आने वाले समय में हम सड़क से लेकर संसद तक जाने का काम करेंगे।